हेलो गाइस, हाउ आर यू? तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज का आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं, सिर्फ 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और टॉपिक है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो भाई, ये किसी भी सब्जेक्ट में आपका सीटेट का, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठाकर देख लो, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। सीडीपी आपका हिंदी, मैथ, इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, हर किसी में पीछे रहता है, मतलब पीछे पड़ा रहता है, कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, हर किसी में आना ही आना है, कहीं ना कहीं मूल्यांकन आना ही है। क्योंकि मूल्यांकन जो है वो आपका शिक्षण अधिगम पद्धति का या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है भाई, अलग कर ही नहीं सकते। बिना मूल्यांकन के आपकी शिक्षण पद्धति अधूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई, अगर अभी तक कोई भी उलझन है, कोई भी समस्या है, इसमें कोई भी डाउट है, तो बस ये वीडियो देखने के बाद खत्म है सारे डाउट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, 2 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो देखिए, इसमें सिर्फ 2 शब्द हैं और शब्दों का मतलब समझते हैं और सारी कहानी खुद ही समझ आ जाएगी। पहली चीज तो है सतत, इंग्लिश में कंटिन्यूअस, हिंदी में सतत। दूसरी चीज है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि हिंदी में व्यापक, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव। सतत का मतलब क्या होता है भाई आपका? सतत का मतलब होता है आपका निरंतर या फिर लगातार। और आपका व्यापक का मतलब क्या होता है भाई? व्यापक का मतलब होता है विस्तारित, यानी कि बड़ा, यानी कि सर्वांगीण। तो यहां पे सर्वांगीण अगर शब्द हम ले लें, यानी कि व्यापक यानी कि बड़ा या फिर सब कुछ ये कह सकते हैं हम। तो ये 2 शब्द मिल रहे हैं। तो भाई, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं तब समझ आएगा। पहली चीज तो ये है, मूल्यांकन तो आपको पता ही है ना, बच्चे को जांचना, बच्चे की जो स्तर है, जो भी वो क्रियाकलाप है, जो भी कुछ आपने पढ़ाया है उसको, जो भी उसकी उपलब्धि है उसकी जांच आप कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में सतत और व्यापक जो जुड़ा है, इसका मतलब समझना है बस सिंपल। सतत का मतलब है निरंतर यानी कि लगातार। तो भाई, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं वो आप निरंतर बेस पे करें, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने सारा कुछ पढ़ा दिया और 6 महीने बाद जो है आप उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, या 3 महीने बाद एक बार लास्ट में परीक्षा ले रहे हैं आप। नहीं, बच्चे का जो इवैल्यूएशन हो वो निरंतर होना चाहिए। और वो निरंतरता कितनी हो सकती है भाई? वो निरंतरता आपकी 1 वीक भी हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, और हर घंटे में भी हो सकती है। यानी कि जब आपने कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाया है, उसके साथ में डायरेक्टली आप उसी के बाद वहीं पे कक्षा में आप उसका मूल्यांकन या उसका आकलन कर सकते हैं, जो कि आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, उसी टाइम पे जो आप करते हैं, तो वो भी इसी के अंदर ऐड है। तो ये क्यों हुआ कि इसलिए कहा उन्होंने कि आप अगर निरंतर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा ने वो उस कॉन्सेप्ट जो आपने उसको सिखाना चाह रहे हो, बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है। और अगर नहीं सीखा है तो उसमें कहां त्रुटि हुई है, कहां बच्चे को कठिनाई आ रही है, कौन सी समस्या हो रही है, उसका पता कैसे लगाएंगे आप? और जब आप उसका पता नहीं लगा पाएंगे तो आप अपनी शिक्षण पद्धतियों में भी सुधार नहीं करोगे, आप शिक्षण पद्धतियों को बदलोगे भी नहीं, तो फिर आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, वो एकदम टफ हो जाएगी। मतलब आपका कोई मतलब वो है कि बाल के अंदर भी नहीं रह जाएगी और उन्नति भी नहीं रहेगी, प्रगतिशील भी नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप आगे सुधार ही नहीं कर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चे का लगातार और निरंतर मूल्यांकन किया जाए। दूसरी चीज है सर्वाधिक, जो आपका व्यापक शब्द है, यानी कि सर्वांगीण। इसका मतलब यह है जो आपका मूल्यांकन है वो बच्चे के सभी क्षेत्रों का होना चाहिए, सर्वांगीण होना चाहिए। यानी कि दो जो आपके जो करिकुलम है उसको 2 पार्ट में मोस्टली जो मेन डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका जो होता है शैक्षणिक और एक होता है गैर शैक्षणिक, जिसको बोलते हैं एक को करिकुलर, दूसरे को बोलते हैं को करिकुलर। तो करिकुलर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है आज तक के शैक्षणिक, यानी कि अकेडमिक जो है उसका मूल्यांकन होता था, और जो बिना मतलब गैर अकेडमिक है उसका मूल्यांकन नहीं होता था। लेकिन इसमें कहा गया कि भाई दोनों पक्षों का मूल्यांकन करो, सिर्फ लिखना पढ़ना, प्रश्नों को याद रखना और परीक्षा देना इतना मूल्यांकन नहीं होता। बच्चे का शारीरिक विकास कितना हो रहा है, बच्चे का सामाजिक विकास कितना हो रहा है, बच्चा खेल में कितना आगे है, बच्चे का जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज है किसी भी काम को करने की, जैसे प्रयोग करते हैं बच्चे नई नई चीजों का, एक्सपेरिमेंट, उसमें कैसा है बच्चा, बच्चे के हर क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए, हर विकास का। तो ये सारे चीजों को इन्होंने सम्मिलित किया, तब जाके आप जो है बच्चे का भाषा विकास कैसा है, बच्चा अभिव्यक्ति कितना करता है, बच्चा जो है तार्किक चिंतन किस प्रकार का करता है, नई नई चीजें सोचता है
ही नहीं सोचता है, दूसरों को समझा पाता है, दूसरों से सवाल करता है, कक्षा में प्रश्न पूछता है, एक्टिव है नहीं है, वो सारी चीजों का आप ध्यान रखोगे, सारे सर्वांगीण क्षेत्रों का मूल्यांकन करोगे, तब जाके आपकी व्यापक कहलाएगा। तो ये है भाई व्यापक, यानी गैर शैक्षणिक भी और शैक्षणिक भी, दोनों पक्षों का मूल्यांकन और बच्चे के सारे सर्वांगीण विकास को लेकर चलना, उस चीज को कहते हैं व्यापक। अब आप समझिए व्यापक का और सतत का मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन की असली चीज है क्या, तो ये है असली चीज। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या है, क्यों कहा गया, क्यों बनाया इसको। इसके उद्देश्य ये है भाई आपके बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों का विकास, किसके, बच्चे के, बच्चे के, आप मेंटली उसके जो है बोधात्मक रूप से उसको उसका डेवलपमेंट कर रहे हो, मनोप्रेरक यानी कि जो संवेगात्मक रूप से होता है, भावात्मक भी आपका संवेगात्मक से ही संबंधित है, ये भी आपका सामाजिकता वगैरह सारी चीजें इसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं आपकी उनका। दूसरी चीज है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार के लिए, तो जैसे मैंने कहा अगर आप जो है उसका निरंतर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप सुधार ही नहीं करोगे, तो इसलिए उसके सुधार में करने के लिए। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों में सुधार करने के लिए, बच्चों की समस्याओं को हल करने में, अगर आप बच्चे के बीच बीच में मूल्यांकन नहीं कर रहे हो तो आपको समस्याओं का पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए कौन सा मूल्यांकन होता है भाई, निदानात्मक मूल्यांकन, मैंने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए, मूल्यांकन वाली जो प्लेलिस्ट है आपके चैनल पे वो जरूर देखें आप, तो जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है उसका पता, उसको उसके द्वारा जो है बच्चों की समस्याओं का पता लगाएंगे और उसके बाद में फिर से आप सुधार करेंगे अपने शिक्षण पद्धतियों में, टीएलएम में, सब चीजों में, और बच्चों को फिर से सिखाएंगे। उसके बाद बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए, सर्वांगीण विकास तब आप तभी कर सकते हो जब सर्वांगीण मूल्यांकन करोगे, अगर आप बच्चे के सारे पक्षों का मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हो तो सारे पक्षों का विकास कैसे कर सकते हो, समझ रहे हो इस चीज को। तो इसलिए उन्होंने कहा व्यापक मूल्यांकन करो, सतत मूल्यांकन। इसकी विधियां क्या है, निरीक्षण के द्वारा यानी कि ऑब्जर्वेशन, बच्चे को आप देख के उसको ऑब्जर्व करके आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो, प्रश्नावली के द्वारा कर सकते हो आप, इसमें आपकी परीक्षाएं भी आ जाएंगी, इसमें आपके प्रश्न उत्तर भी आ जाएंगे, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जिसको कह सकते हैं हम इंटरव्यू के द्वारा आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, इसके अंदर आपका डिस्कशन भी आएगा, इसके अंदर चर्चा भी आएगी, सारी चीजें इसके अंदर आएंगे। जांच सूची के द्वारा यानी कि जो आपकी जांच सूची भी परीक्षा, लिखित परीक्षा ही होती है एक प्रकार की, उसमें आप फॉर्मेट बनाकर बच्चे से उसको हल करवा के या बच्चे के विचार जान के उस पे उसके द्वारा कर सकते हो। विवरण और रिपोर्ट ये सबसे बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरे हिसाब से भी ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है आपका। बच्चे के रिकॉर्ड्स, जो बच्चा डेली परफॉर्म कर रहा है उसको डेली वाला या वीकली वाला जो आप टेस्ट ले रहे हो या डेली जो एक्टिविटीज करता है, जो बच्चा कुछ बना रहा है, उन सारी चीजों का आप रिकॉर्ड बना के रखें। प्राथमिक स्तर पे इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है पोर्टफोलियो, तो इस चीज को आप जो है रिकॉर्ड ही सबसे ज्यादा यूज होता है मूल्यांकन के लिए, सबसे उपयोगी है, बाकी चीजें तो होती है। और हाँ ये चीजें तो हो गई भाई, तो एक का कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, हो सकता है वो और कोई सवाल हो तो इसलिए मैं उसको इसी में कर दूं, मूल्यांकन से संबंधित था, तो वो गणित से संबंधित है भाई कि गणित की कौन कौन सी गणित की शिक्षण विधियां हो सकती हैं, तो उसमें तीन ऑप्शन थे, एक प्रश्नावली था, एक जांच सूची था, एक विवरण था, और शायद एक विवरण था कोई और, तीन तो ये थे और उसमें चौथा था, इनमें से कोई नहीं, तो वो तीनों ही आपकी गणित शिक्षण की मूल्यांकन की विधियां हो सकती है, इसलिए इसमें फोर ऑप्शन सही था, इनमें से कोई नहीं। तो उनका प्रश्न ये था कि ये तीनों कैसे करेंगे हम इनके द्वारा मूल्यांकन, तो भाई देखो प्रश्नावली के द्वारा आप बिल्कुल कर सकते हो, आप प्रश्नावली बनाइए और उसमें गणित के सवाल दीजिए तो बच्चा हल करेगा, उसके द्वारा मूल्यांकन कर लोगे। जांच सूची में आप कर सकते हो, जांच सूची के मतलब ये है कि आप लिख सकते हो तथ्य, सही गलत वाली चीजें होती है ना, कि पांच और दो को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, सात, तो आपने लिखा पांच प्लस दो बराबर सात, आगे बॉक्स बना दिया सत्य है या असत्य है, तो वो जांच सूची होगी एक प्रकार की, तो इस तरह के प्रश्न आप बनाओगे तो वो आपके पास जांच सूची हो जाएगी, तो उसके द्वारा आप गणित में मूल्यांकन कर पाओगे। विवरण के द्वारा, विवरण तो खैर वैसे मूल्यांकन का है, उसमें विवरण नहीं था ऑप्शन, उसमें कोई तीसरा ऑप्शन था मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, तो फिलहाल वो भी जिन लोगों का भी कमेंट था वो तो उस चीज को समझ जाए। चलिए तो ये तो आपकी जो है कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा, अब बचा है आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन, क्योंकि बाकी तो मैंने आपको निदानात्मक करा दिया था, और अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे मूल्यांकन नाम की प्लेलिस्ट में। निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण ये मैं आपको करा चुका हूँ, इसकी भी उसी में मिलेगी वीडियो, और अगर आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे अधिगम के रूप में मूल्यांकन तो वीडियो आ जाएगी आपकी, और उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रेमेडियल टीचिंग आप सर्च करोगे तब आ जाएगी, और ये बाकी अब आपको बचा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन और एक बचा है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, तो उसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, ये हो चुका है मूल्यांकन, हो जाएगा आपको फिनिश और बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बाकी आपकी सिद्धांत वाली वीडियोस आ रही है साइकोलॉजी की डेली शाम को, तो साइकोलॉजी का भी लगभग डेली लेक्चर आ रहे हैं, तो वो आपको पूरे हो जाएंगे, तो आप समाप्ति की ओर मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे, और बस रिक्वेस्ट ये है कि शेयर करो दबा के ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा लोग फायदा हो सके, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके।
तो भाई सहभागिता निभाओ, सपोर्ट करो यार बस, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके भी बता दिया करो, कैसे फीडबैक जरूर दिया करो, कैसी लगी वीडियो। और नए हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।